लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Hello, control room. AC Barjun speaking. ये दीवार तोड़ो। इस कुएं के पास खोदो जी। करो और खोदो। ले जाओ। सर ये बताइए कुल कितने आदमियों का फोन किया गया? काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, पूरा होने के बाद आप लोगों को पक्का बता पाएंगे कितने आदमियों का खून हुआ है। सर इन हत्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अमानुषी अत्याचार है, अभी सिर्फ यही कह पाऊंगा। सर केसरिया को गिरफ्तार कर लिया आपने? केसरिया तो भाग गया लेकिन उसके साथी गिरफ्तार हो गए, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन के साथ बता सकता हूं कि बहुत जल्द केसरिया भी गिरफ्तार हो जाएगा। सर इन तमाम स्केलेटन्स की जांच कर ली गई है और यह है लैब की रिपोर्ट। यू आर वेलकम इंस्पेक्टर भवानी। यस सर। 2 साल के अंदर अंदर कौन कौन गुम हुए हैं या लापता हैं उनका पता लगाइए। राज्य के सारे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कीजिए, सारे डिटेल्स इकट्ठा करके 2 दिन के अंदर मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। ओके ओके सर। मेरा बेटा चला गया। तूने मेरे बेटे को उठा लिया। क्या बात है माजी? जालिमों ने मेरे बेटे को मार डाला। माजी धीरे से रखिए माजी, पुलिस वालों को तो सिर्फ हड्डियां मिली है और हड्डियों से चेहरे की पहचान नहीं हो सकती माजी, तो फिर आप कैसे कह सकती है कि वो? नहीं नहीं माजी, उनको कुछ नहीं होगा, वो हमें इस तरह बेसहारा करके नहीं जा सकते माजी। मेरा मन कहता है कि वो एक दिन जरूर आएंगे माजी। काश ऐसा होता बेटी। मिल गए 2 लाख रुपए मिल गए। या शिल्पा जल्दी आओ। हरीश तुम कहाँ है? तुम्हारे पापा बुलाओ उनको, मैं 2 लाख रुपए लेके आया हूँ। बुलाओ उस बुलचट। शाबाश शाबाश। अरे ये हुई ना मर्द वाली बात, लाओ दो मुझे। ये लीजिए। ये क्या है? ये ऑटो केसरिया है, खतरनाक गुंडा, इसे पकड़ने पर सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। मैं इसे पकड़ कर 2 लाख रुपए आपके मुंह कदमों में रख दूंगा। अबे चिलगोजे,
जिसे देश की पुलिस नहीं पकड़ सकी उसे तू पकड़ेगा? जब तक 2 लाख रुपया हार्ड कैश नकद मेरे हाथ में नहीं रखेगा इस घर की तरफ मत देखना। आज दूसरी बार तुझे छोड़ रहा हूँ, मगर याद रख फौजी 3वीं गलती कभी माफ नहीं करता। आउट शिल्पा, ऊपर जा। आवाज सुनते ही दशहरे के हाथी की तरह चली आती है, ऊपर चल। लगता है पंजाब से आई है। ओ कुड़िये, तुहानू किथे जाना है? तुहाड़े पियो दे पिंड। ओए, ये ऑटो वाली नहीं 5-स्टार होटल वाली है। वाह, क्या मस्त जवानी है। ए! अरे चलती है क्या? कहाँ? अरे किसी 5-स्टार होटल में साथ खाएंगे पिएंगे और सारी रात अपनी जवानी बिताएंगे। नहीं नहीं, मुझे किसी ऑटो वाले का इंतजार है। ए! भगत, दादा को आज तक किसी लड़की ने इनकार नहीं किया है, चल मेरे साथ। अबे सम्मेलन में देश के कोने कोने से आई हुई तमाम बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहनों, आज तक जो अन्याय हमारे साथ होता रहा है इसके आगे हम होने नहीं देंगे। मैं पूछता हूं, सरकार ने छोटे तबकों के लिए कई स्कीमें बनाई हैं, बैकवर्ड क्लासों के लिए रिजर्वेशन बनाए हैं, ट्रैवल क्लासों के लिए लोन दिए, घर दिए, गाय दिए, पैसे दिए, यहां तक के बछड़े भी दिए हैं, पावर क्लासों को तरक्की दे रही है। मैं पूछती हूं, सरकार ने हमें क्या दिया है, क्या किया है हमारे लिए, हमें किस क्लास पे रखा है और क्या मदद कर रही है जनता? ये लोग हमारी बदनसीबी पर हंस रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। पुलिस, इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर में बात करता हूँ। अरे अर्जुन, तुम अर्जुन मुझे बचा लो, एक गुंडा मुझे लड़की समझकर मेरे पीछे ही पड़ गया। चक्कर क्या है, किसी ड्रामे में लड़की का रोल कर रहा है क्या? अरे यार, ये सब अपनी माशुका के लिए कर रहा हूँ। क्या मतलब? उस लड़की के बाप ने दहेज में 2 लाख रुपया उल्टा मुझसे मांगा है। मैंने पेपर में पढ़ा है कि लड़कियों को किडनैप कर लेके जाने वाला ऑटो केसरिया को पकड़ने पर 2 लाख रुपए का इनाम है, इसलिए मैं लड़की बनकर उसे पकड़ने गया और इस मुसीबत में फंस गया। अच्छा अच्छा, तो ये भी वही इश्क का चक्कर है जिसमें फराद ने शिरीन के लिए दूध की नहर निकाली थी और आप अपनी माशुका के लिए केसरिया को पकड़ रहे हो। गुड, वेरी गुड, एक से भले दो, ऑल द बेस्ट। एसीपी अर्जुन, या सर, मेरा नाम शांति है। जिस केस की आप तहकीकात कर रहे हैं उसमें मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं? संजीवा गर्ल्स हॉस्टल से। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ही आपको फोन किया। आई, क्या बात है? सर, आज से 6 महीने पहले मैं नेशनल हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और वहाँ मेरी एक सहेली डॉक्टर कस्तूरी भी प्रैक्टिस करती थी। फिर? उस हॉस्पिटल में एक दिन एक लेडी पेशेंट डिलीवरी के लिए लाई गई जो बहुत सीरियस कंडीशन में थी। माय गॉड, आपकी वाइफ का पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, 2 साल पहले जब उसे पहला बच्चा होने वाला था तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ा था। किस हॉस्पिटल में?
मद्रास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, आपकी वाइफ बहुत कमजोर है इसलिए पूछ रही थी। मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर डॉक्टर, रेनू नाम की पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई है, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है सर। क्यों? क्या हुआ उसे? पहली डिलीवरी के वक्त उसे मद्रास के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उसकी सिजेरियन डिलीवरी की गई और एक किडनी उसे बताए बगैर निकाल ली गई सर। ये आपका शक है? शक नहीं डॉक्टर, हकीकत है। मैंने उस पेशेंट का स्कैनिंग कराया, तब मुझे मालूम हुआ उसकी एक ही किडनी है और वो भी काम नहीं कर रही है। ऐसे में अगर दोबारा ऑपरेशन किया गया तो वो पेशेंट मर जाएगी सर। देखो कस्तूरी, आप मुझे और उस पेशेंट के घर वालों को बेवजह उलझा रही हैं। लीव द मैटर। उसका ऑपरेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो दूसरा स्टेट है, यू नो। वो तो ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम इस केस को पुलिस तक पहुंचा दें। आवेश में मत आओ डॉक्टर कस्तूरी, मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते सलाह दे रहा हूँ, ये सब भूल जाओ और जो अपना काम है वो करते रहो, बस जाओ ऑपरेशन की तैयारी करो। देख लिया डॉक्टर की जिद और लापरवाही ने किस तरह एक मासूम की जान ले ली। जाने दो कस्तूरी, जो होना था हो गया, अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं। बात फायदे की नहीं है, इंसानियत की है। अगर किसी इंसान में दूसरे इंसान के लिए प्यार और हमदर्दी न हो तो उसे इस डॉक्टरी पेशे में नहीं आना चाहिए, बल्कि इससे अच्छा है कि वो कसाई की दुकान खोले और गोश्त के टुकड़े बेचे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ कस्तूरी, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं शांति, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मैं इस केस को सबके सामने ला कर ही रहूंगी। और उस घटना के 4 दिन बाद अचानक डॉक्टर कस्तूरी कहीं गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिली। तुम उस डॉक्टर का नाम बता सकती हो? नहीं, एक तो मैं वहां नई ज्वाइन हुई थी, दूसरे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, इसलिए वहां के डॉक्टरों से मेरी कोई खास पहचान नहीं है। अच्छा अब्बा, तुम उन गुंडों को पहचान सकती हो जिन्होंने हॉस्पिटल के बाहर तुम पर हमला किया था? पहचान तो सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। डर किस बात का? सर, कहीं वो लोग मेरी भी वही हालत ना कर दें जो उन्होंने कस्तूरी की है। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। कल आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान तुम्हें उन गुंडों को पहचानना होगा। दांत दिखाओ। बोल बोल, हरामजादे कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी कहाँ है ये मैं नहीं जानता। मैंने तो उसे अगवा करके ऑटो केसरिया को दे दिया था। ऑटो केसरिया ने उसे क्यों उठवाया था? बोल। वो मुझे नहीं मालूम सर, उस काम के लिए उसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। इस वक्त ऑटो केसरिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? अरे सब ठीक हो जाएगा। लीजिए जूस पी लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं करा। मेरी भूख ही मिट गई है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। ले जाओ साला, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो सरकारी एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना, वो कॉकटेल पार्टियों में मुफ्त की शराब पीना, वो इज्जत से रिश्वत लेना, सब खत्म हो गया। सोचा था मेरी मौत कुर्सी पे होगी, ये खटिए पे आ गई, सब खत्म हो गया। इसीलिए तो कहती थी ईमानदारी से कीजिए। चुप कर, गंगा कहेगी। अर्जुन आगे, उसको बोल मैं चार धाम की यात्रा पे गया हूं। बोल दो उसको। आपको क्या चाहिए? चरणदास कहाँ है?
जी वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। क्या? एसीपी साहब कुर्सी के जाते ही उन्होंने सारे बुरे काम और सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। अब वो एक नेक इंसान बन गए हैं। दुनिया भर के गुनाह करने वाला एक शैतान रातों रात एक नेक इंसान बन गया। अच्छा तो ये है तेरी तीर्थ यात्रा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने को तो तीर्थ यात्रा कहता। बोल ऑटो केसरिया कहाँ है? ऑटो केसरिया मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बता दे वरना उसका साथ देने के जुर्म में पुलिस तुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे क्यों मरे हुए को मारना चाहते हो साहब? एक कुर्सी चली के बाद में सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर फिर भी मुझे पता चल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है लेकिन किसी किस्म की चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। जी मालिक इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े जाके केसरिया को ढूंढ उसको बोल कि एसीपी को खत्म कर दे वरना ये साला हमको खत्म कर देगा।